साथियों जय हिंद जय भारत, मैं जसवंत पवार। दोस्तों हम खड़े हैं नेहरू कॉलेज के सामने और देखिए कुछ छात्र मुद्दों को लेकर और नेहरू कॉलेज में जो चल रही है राजनीति उसको लेकर हम अपनी बात रखना चाहते हैं, राय रखना चाहते हैं। दोस्तों देखिए नेहरू कॉलेज के अंदर कुछ दिनों से जो है एक ओछी और गंदी राजनीति चल रही है कि पहले एडमिशन के नाम पर जो बदनाम किया गया है कॉलेज को, पहली बात तो जो एडमिशन है वो बिल्कुल फेयर हो रहे हैं, दूसरी बात जो एक हमारा फेस्टिवल है जो तीज है वो पूरे धूमधाम से आज नेहरू कॉलेज के अंदर मनाया गया और सभी जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उन्होंने भाग लिया और देखिए बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो ये अच्छी बात है। लेकिन कुछ लोग इसको भी नेगेटिव लेके, मतलब उनकी जो ऊर्जा है वो नकारात्मक ही है। दोस्तों देखिए जो मुद्दे हैं इन छोटी छोटी बातों से क्या है मुद्दे भटकते हैं, जबकि जो असली छात्र राजनीति के मुद्दे हैं वो है कि इस समय जो जरूरत है कि 20% सीट बढ़नी चाहिए, जिससे कि पता नहीं कितने छात्रों का भला होगा, जो बहनें हमारी एडमिशन के बिगड़ रह जाती हैं उनको पता नहीं कितनी बहनों का एडमिशन होगा। तो असली मुद्दा है कि 20% सीट बढ़नी चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि जो नेहरू कॉलेज की बिल्डिंग है 2 साल डिले, मतलब 1.5 से लेके 1 साल तक डिले है, अब तक बन जानी चाहिए थी। तो छात्र जो नेता है उस मुद्दे को क्यों नहीं उठाते कि बिल्डिंग ज्यादा से जल्दी बननी चाहिए, जिससे कि जो अब 14,000 सीटिंग की बिल्डिंग बनने जा रही है अनेकों छात्रों को फायदा होगा। तो दोस्तों देखिए युवा आगाज का सिर्फ एक ही कहना है कि जो नेहरू कॉलेज के अंदर जो भी काम चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है और देखिए जो माननीय प्रिंसिपल रुचिका खुल्लर आई है वो लग रही हैं, अभी आई हैं, उनको 1 महीना हुआ है, वो अपने बेस पे लग रही हैं, समझ रही हैं समस्याओं को। हमने उनको ज्ञापन भी दिया है कुछ कॉलेज की समस्याओं को, तो वो अपने बेस पर उनको समाधान करने की कोशिश है उनकी। लेकिन कॉलेज के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है अपनी पर्सनल, मैं कहूँ पर्सनल रंजिश के कारण या पर्सनल राजनीति के कारण, के पूरे कॉलेज को ताक पर रखा जा रहा है, उसकी इज्जत को ताक पर रखा जा रहा है, जबकि जो नेहरू कॉलेज है अपने आप में बहुत बड़े मायने रखता है। हर नेता यहाँ से लिकड़ा है फरीदाबाद का, और इस कॉलेज के अंदर जो एडमिशन लेने की जो होड़ है वो मैं कहूँ दिल्ली से लेकर होडल पलवल कोसी बॉर्डर तक रहती है छात्रों की। पहले 1 नंबर कॉलेज है जिसमें एडमिशन के, तो कुछ छात्र रह भी जाते हैं क्योंकि इतनी बड़ी तादाद नहीं है, 7,000 सिटिंग का कॉलेज है और तकरीबन लाखों लोग एडमिशन लेना चाहते हैं, तो सबकी तो पूर्ति नहीं हो सकती। और देखिए बिल्कुल फेयर एडमिशन होते हैं और इसी को लेकर हमारे नेहरू कॉलेज के प्रधान गौरव हैं, वो अपनी बात रखेंगे बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गौरव प्रधान, मैं हाल फिलहाल में आज ही जो ये मुद्दे मेरे को सामने आए हैं मैं उसके बारे में अपनी बात रखना चाहूँगा कि जो इस समय वार्तालाप की जा रही है कि कॉलेज में एडमिशन पैसे लेकर किए जा रहे हैं, तो ये बिल्कुल निराधार है और इसका कोई प्रमाण नहीं है। आदरणीय प्रिंसिपल महोदय के मार्गदर्शन में और कॉलेज प्रशासन कमेटी के द्वारा एकदम फेयर और साफ एडमिशन किए जा रहे हैं, ताकि जो भी गाइडलाइंस MD यूनिवर्सिटी की तरफ से तथा DSE की साइड से अप्रूव है उसी के आधार पर सारे एडमिशन किए जा रहे हैं। किसी भी बच्चे से किसी भी प्रकार की कोई भी पैसे की लेन देन की कोई भी बातें सामने नहीं आई हैं। इसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी लोग मीडिया या फिर मीडिया लाइमलाइट में आने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं उनसे अनुरोध है कॉलेज प्रशासन और कॉलेज को बदनाम ना करें, और साथ ही साथ जो बच्चों के साथ करना चाहिए बच्चों के साथ समर्थन करें, उनके साथ मिलकर के काम करें, ना कि उन्हें अपनी राजनीति का हिस्सा बनाएं। गौरव जी है, गौरव प्रधान आप भी बताइए। जैसा कि आज हमारे पूरे कॉलेज में नेहरू कॉलेज के अंदर तीज मनाई गई, तीज हमारा त्यौहार है, हमें मनाना चाहिए। तीज मनाने से कॉलेज में बहुत फायदे हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ जैसे हमारी संस्कृति कम होती जा रही है, आज कॉलेज से तीज मनी है तो यहाँ 7,000 से 8,000 छात्र पढ़ते हैं, तो सबको पता चलेगा कि तीज एक त्यौहार होता है, वो अपने घर बताएंगे, तो इससे हमारी संस्कृति और ज़्यादा निखर के आगे आएगी। हमें जितने भी हमारे त्यौहार हैं उनको बढ़ चढ़ कर बनाना चाहिए और हमें गंदी राजनीति नहीं करनी चाहिए, हमें मुद्दों की बात करनी चाहिए, हमें अपने कॉलेज के प्रिंसिपल के साथ मिलकर चलना चाहिए और उनके साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए। दोस्तों देखिए लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा और तथ्यों के आधार पर और बिल्कुल जमीन स्तर पर, पिछले साल मैंने एक लॉबी पकड़वाई थी नेहरू कॉलेज के अंदर जो एडमिशन पैसे लेके एडमिशन करती थी। देखिए कुछ शरारती तत्व होते हैं जो लगे रहते हैं, और देखिए बिना छात्र नेताओं की सह के बिगड़ ये काम नहीं हो सकता। कुछ ओछे ऐसे लोग होते हैं जो स्टूडेंटों को सह देते हैं और पैसे लेते हैं, और बकायदा अगर वो छात्र नेता है तो पुलिस में FIR दर्ज कराए। पिछले साल मैंने पूरी पुलिस बुला के 3 लोग पकड़वाए थे, 35,000 रुपए वापस दिलवाए थे। तो ऐसा काम करना चाहिए कि भैया जो पैसे लेते उनको पुलिस में FIR दर्ज क्यों नहीं करते, करवाते, पकड़वाते क्यों नहीं है, सिर्फ मीडिया में आके अपनी वाह वाही लूटना, ये अच्छा काम नहीं है। दूसरी बात के काम तथ्यों पे करो, ओछी राजनीति ना करें। अगर आपको लगता है किसी ने लिए तो उसके खिलाफ FIR दर्ज करवाओ, जैसे युवा आगाज संगठन ने पिछले साल करवाई थी। तो मेरा अनुरोध है, और देखिए जो टीचर है वो बिल्कुल फेयर एडमिशन करते हैं, आप उन पर एडमिशन के नाम पर जो दबाव बनाते हो ये गलत राजनीति है। युवा आगाज संगठन इसका विरोध करता है और ऐसे बिल्कुल नहीं होगा, और युवा आगाज संगठन पूरे जो
पूरा स्टाफ है नेहरू कॉलेज का, जितने भी टीचर है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, चाहे वो बच्चे पढ़ाने का काम हो चाहे एडमिशन का हो, बिल्कुल फेयर कर रहे हैं। और मेरा अनुरोध भी है किसी छात्र नेता के वो दबाव में ना आए, वो अपना जो अपना MDU की गाइडलाइंस हैं उनके आधार पर एडमिशन करें। जय हिंद, जय भारत।